सो हेलो फ्रेंड्स आज हम आगे ही कंटिन्यू करेंगे जो हम अपेरेंट डेप्थ फिश बर्ड के प्रॉब्लम कर रहे थे हमने लास्ट लेक्चर में कुछ डेरिवेशंस किए थे एक ही डेरिवेशन किया था रियल डेप्थ अपॉन अपेन्ट डेप्थ का फॉर्मूला उसी का एक क्वेश्चन आज करते हैं आगे यहाँ पे ऑब्जर्वर एक मीडियम पे है दैट इज इन एयर बीच में ग्लास है ट्वेंटी सेंटीमीटर थिकनेस की और ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट एंड पे रखा हुआ है ऑब्जर्वर से पहले मीडियम का डिस्टेंस है ट्वेंटी सेंटीमीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर की ग्लास है और उसके आगे ऑब्जेक्ट टेन सेंटीमीटर रखा हुआ है ठीक है और हमें पूछा है कि फाइनल अपेरेंट डेप्थ बताओ सीन बाय दिस ऑब्जर्वर। तो पहले तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है यहाँ से लाइट ग्लास ये मीडियम में आएगी तो ऐसा कंसिडर करते कि अगर हम यहाँ से देखते हैं कहाँ से हम ग्लास के अंदर से अगर देखते हैं तो ऑब्जेक्ट कहा दिखाई पड़ेगा उसकी अपेरेंट डेप्थ पहले हम फाइंड आउट करते हैं सो लेट्स कॉल इट एज अपेरेंट डेप्थ सीन फ्रॉम द मीडियम वन सो दिस इज मीडियम वन सो म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू डी बाई डी डे फॉर्मूला यूज किया हमने म्यू टू को क्या लेना है 1 नहीं लेंगे जहाँ से लाइट आती है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सो so, हमारा ऑब्जेक्ट जो मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वन कहाँ पे आ रही है लाइट इट इज कमिंग टू द ग्लास मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 पॉइंट डी क्या है इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है वहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है वो 10 सेंटीमीटर सो so, वो 10 लिख दिया अपॉन डी डैश हमें फाइंड आउट करना है जब यहां से देखेंगे तो कितना दूरी पे दिखाई पड़ेगा तो हमें वो दिखाई पड़ रहा है फिफ्टीन सेंटीमीटर तो ये बाउंड्री से फिफ्टीन सेंटीमीटर नीचे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा अब एक्चुअली देख यहां से रहे हैं तो हम ये यह, जब यहां से देखेंगे हमारे लिए अभी ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा दिस विल बी ऑब्जेक्ट बिकॉज द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द ग्लास मीडियम टू आवर आइज दैट इज इन द एयर मीडियम ठीक है सो वील कंसिडर दिस एज ना ऑब्जेक्ट सो विल कैलकुलेट द अपर एंड डेप सीन फ्रॉम द मीडियम टू अभी ये मीडियम टू से हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आया ये दिस इज नथिंग बट ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन थर्टी फाइव ठीक है सो so फार्मूला लगाया हमने म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू डी बाई डी डैश म्यू टू कितना है जहाँ से लाइट आ रही है सो लाइट इज कमिंग फ्रॉम ग्लास मीडियम दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 पॉइंट फाइव कहाँ पे आ रही है इट इज कमिंग द एयर दैट इज वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेप्थ कितनी है उसकी 35 फाइव यहाँ से ये 20 प्लस ये 15 35 डिवाइडेड बाय दिखाई कितनी पड़ेगी दैट इज डी डैश सो डी डैश इज हाउ मच ट्वेंटी मतलब ये बाउंड्री से 23.33 थ्री यहाँ पे उसको ये ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा ऑब्जेक्ट कहाँ है एक्चुअली ये नीचे कितना डिस्टेंस पे ये 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लेकिन इसको कहाँ दिखाई पड़ रहा है ये बाउंड्री से 23.33 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिखाई पड़ रहा है ठीक है लेकिन ऑब्जर्वर से पूछा है ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है ट्वेंटी सेंटीमीटर दूरी पर यह मीडियम से सो so, ऑब्जर्वर से ये अगर डिस्टेंस देखोगे तो ये कितना डिस्टेंस है ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री दैट इज फोर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे फिर सेम क्वेश्चन पूछा है फाइंड द अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन बाय ऑब्जर्वर क्या क्या गिवन है वो मैं बता देता हूँ क्योंकि इसके अंदर आंसर भी है बहुत सारे कलर वगैरह हैं तो क्वेश्चन क्या है बेसिकली देर आर टू मीडियम्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ये कोई मीडियम है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ये मीडियम से थर्टी सेंटीमीटर पीछे ठीक है ये दूसरा मीडियम है जिसका डिस्टेंस दिया है थर्टी सेंटीमीटर और हम ऑब्जर्वर यहाँ पे है वो जो सेकेंड मीडियम से हम ट्वेंटी सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं जो जो मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं म्यू वन म्यू म्यू इज़ वन वन पॉइंट फाइव एंड टू ठीक है, है। यहाँ से ये यह ऑब्जेक्ट देखने पे कितना पीछे दिखाई पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है तो लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे ये ऑब्जेक्ट है हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट से जब लाइट यहाँ पे आएगी तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहाँ दिखाई पड़ेगा वो हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे दैट इज़ फ्रॉम फर्स्ट बाउंड्री हमने वो अपेरेंट डेप्थ वाला फार्मूला लगाया म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू डी बाई डी डैश लाइट कहाँ से आ रही है लाइट इज कमिंग फ्रॉम म्यू इज इक्व टू वन वाला मीडियम सो so, यहाँ पे म्यू टू को हमने वन लिखा कहाँ पे आ रही है ये मीडियम में आ रही है दैट इज़ वन पॉइंट फाइव इज इक्वल टू ये बाउंड्री से उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है थर्टी सेंटीमीटर और ये मीडियम से कितनी दिखाई पड़ेगी दैट इज़ डी डैश कितना आया वो फोर्टी फाइव सेंटीमीटर तो यहाँ से देखने से ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा फोर्टी फाइव सेंटीमीटर दूरी पे ना इट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्योंकि हम अभी यहाँ से देख रहे हैं एक्चुअली तो हम यहाँ से देखेंगे इसे या मीडियम से तो हमारे लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा ठीक है सो लेट्स डू अगेन from द second बाउंड्री mu2 by mu1 is equals to d by d double dash डबल डैश कर देते क्योंकि d dash हमने यहाँ ले लिया है लाइट अभी कहाँ से आएगी ये यह यहाँ से आएगी किसके लिए ये ऑब्जेक्ट की ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की लाइट ये मीडियम से आएगी हमारी आंखों पे सो so, यहाँ पे जो अब से लाइट आ रही वो है 1.5 पॉइंट जहाँ पे आ रही है रिसीव हो रही है दैट इज 2 is equals to यहाँ से हमारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने देखा वो कितना आ रहा है थर्टी प्लस फोटी फाइव दैट इज सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाय डी डबल डैश कितना दूरी पे दिखाई पड़ेगा सो डी डबल डैश आया हंड्रेड सेंटीमीटर मतलब ये मीडियम से हंड्रेड सेंटीमीटर पीछे मतलब इसके भी थोड़ा पीछे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा जब हम यहाँ से इसे यह देखेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर से डिस्टेंस पूछा है फाइनल आंसर डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर सो यहाँ से ये अगर है हंड्रेड प्लस ट्वेंटी जोड़ दो ऑब्जर्वर से टोटल डिस्टेंस कितना आएगा इसका 120 so और एक क्वेश्चन करते हैं पे है, एक container है, container के अंदर हमने पानी रख दिया और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है और इसको हम यहां से देख रहे हैं सो वी आर ऑब्जर्वर और हम एयर में हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है और ये कंटेनर के अंदर जो पानी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है फोर बाई थ्री है ठीक है क्या क्या गिवन है गिवन ये है कि नीचे एक मिरर रखा हुआ है कंटेनर के नीचे हमने एक मिरर रखा हुआ है और नीचे से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ट्वेल्व सेंटीमीटर और वहाँ से ऊपर के बाउंड्री का डिस्टेंस है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर सो ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर ट्वेल्व सेंटीमीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस चीजें गिवन है और ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है ठीक है इतनी चीज़ें गिवन है हमें पूछते है क्या है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस ऑफ द सीन बाय द ऑब्जर्वर ठीक है तो थोड़ी देर के लिए मिरर को हम भूल जाते हैं ये ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जर्वर जब देखेगा उसको थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ेगा क्योंकि हमें पता है इतने सारे न्यूमेरिकल करने के बाद अपेरेंट डेप्थ क्या दिखाई पड़ेगी वो हम फाइंड आउट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर दिखाई पड़ेगा या कितना नीचे दिखाई पड़ेगा जो कुछ होगा वो हम पहले फाइंड आउट करते तो स्टेप वन में हमने वो किया म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल्स टू डी बाई डी डैश कहाँ से लाइट आ रही है यहाँ से कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोर बाय थ्री म्यू वन कितना है वन कहाँ पे जा रही है लाइट ऑब्जर्वर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है डी यहाँ से डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का ट्वेंटी फोर और कितना दिखाई पड़ेगा वो हमने फाइंड आउट किया तो आंसर कितना आया वो दिस केम आउट टू बी एटीन सेंटीमीटर मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जर्वर को 24 सेंटीमीटर पे ना दिखाई पड़ते हुए 18 सेंटीमीटर पे होगा ऐसा दिखाई पड़ रहा है ठीक है अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कॉन्सेंट्रेट ऑन द मिरर ये ऑब्जेक्ट है पानी के अंदर है वो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट है मिरर के अंदर इसकी इमेज कहां प्रोड्यूस होती है तो हमें पता है प्लेन मिरर प्रोड्यूसेज द इमेज इनसाइड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब 12 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो मिरर के अंदर भी 12 सेंटीमीटर दूरी पे ये इसकी इमेज प्रोड्यूस्ड होगी ठीक है तो इसकी इमेज कहाँ प्रोड्यूस्ड हो रही है 12 सेंटीमीटर पीछे अभी ऑब्जर्वर है इसको लेके आओ ऑब्जर्वर को इसकी इमेज कहाँ दिखाई पड़ेगी तो तुम कहोगे ये इतने डिस्टेंस पे दिखाई पड़ेगी कितना डिस्टेंस है ये ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व दैट इज़ फोर्टी एट तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है 48 सेंटीमीटर पे ठीक है लेकिन बीच में वाटर है तो बिकॉज ऑफ द मीडियम विच इज़ वाटर प्रेजेंट अगर ये नहीं होता तो ऑब्जर्वर को ये जो इमेज मिरर ने प्रोड्यूस की है वो 48 सेंटीमीटर पे दिखाई पड़ती लेकिन बीच में पानी है तो पानी से क्या होगा थोड़ी अपेरेंट डेप क्रिएट होगी तो ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ेगी ये जो इमेज प्रोड्यूस्ड बाय मिरर है ऑब्जर्वर के लिए थोड़ी ऊपर दिखाई पड़ेगी 48 से थोड़ी कम तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज एट 12 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर राइट लेकिन ऑब्जर्वर को कहाँ दिखाई पड़ रही है वो हम फाइंड आउट करते हैं म्यू टू कहाँ पर है मिररर इनसाइड दाटर सो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना फोर बाय थ्री म्यू वन क्या है ऑब्जर्वर जो कहाँ खड़ा है एयर में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वन इज इक्वल्स टू डी ऑब्जर्वर से एक्चुअल डिस्टेंस कितना है ये मिरर ने जो इमेज प्रोड्यूस की है दैट इज़ 48 एट सेंटीमीटर इस ऑब्जर्वर को कहाँ दिखाई पड़ेगा दैट इज डी डबल डैश कितना आया वो 36 सिक्स सेंटीमीटर मतलब एक्चुअल में है ये वो फोर्टी सेंटीमीटर पे लेकिन ऑब्जर्वर के लिए वो दिखाई कितना पड़ रहा है ये थर्टी सेंटीमीटर पे राइट सो सो मिरर से जो इमेज प्रोड्यूसड होगी वो 36 सिक्स सेंटीमीटर पे फ्रॉम दिस बाउंड्री और जो अपेरेंट डेप्थ तो जिस ऑब्जेक्ट की दिखाई पड़ रही है एक्चुअली वो कितनी 18 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द बाउंड्री ये और ये इन दोनों का डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है वो हमें पूछा है तो जिस 36 में से 18 हटा दो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का जो इमेजेस है उसका डिस्टेंस आ जाएगा थर्टी सिक्स माइनस एटीन दैट इज एटीन सेंटीमीटर इट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन